कैसे आप घर पे बना सकते हैं बैटरी पैक या फिर पावर बैंक। इन दोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिथियम आयन बैटरी के बारे में बता दूं। यहाँ पे मेरे पास 3 लिथियम आयन बैटरी है और यहाँ पे इस बैटरी का मॉडल नंबर है 18650। 2500 mAh की ये बैटरी है, 3.7 वोल्ट पे ऑपरेट करती है और ये मार्केट में 50 रुपए की कुल एक आ जाती है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये तीनों बैटरी जो है 3.7 वोल्ट की है और 2500 mAh की है। अगर आप इन बैटरीज के सारे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव और ऐसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आप टर्मिनल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ सारे निगेटिव टर्मिनल्स को आप एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों की जो mAh है वो एक साथ ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर एक बैटरी 2500 mAh की है तो तीनों को ऐड करके ये 7500 mAh की हो जाएगी। अब वहीं पर आप इसका निगेटिव टर्मिनल को इससे पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आप इसे इस तरीके से कुछ जोड़ते हैं तो यहाँ पे इन बैटरी के जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3.7 वोल्ट प्लस 3.7 वोल्ट प्लस 3.7 वोल्ट, जो कि 11 पॉइंट समथिंग आता है। तो सीरीज में अगर आप जोड़ते हैं तो आपके वोल्टेज ऐड होते हैं, अगर आप इन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं यानी कि सारे पॉजिटिव एक साथ सारे निगेटिव एक साथ, तो इनका mAh जो है इसका चार्ज जो है वो ऐड होता है। आप जिस तरीके का बैटरी पैक बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसे जोड़ना है। अब यहाँ पे मैं 3.7 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना चाहता हूँ जो कि 5000 mAh का होगा। तो 5000 mAh के लिए मुझे चाहिए होंगे दो बैटरीज, क्योंकि एक बैटरी का जो mAh है वो 2500 mAh है और दूसरे का भी 2500 mAh है, तो दोनों को अगर हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो दोनों मिला के हो जाएगा 5000 mAh, जो कि आउटपुट देगा 3.7 वोल्ट पे। तो फटाफट से मैं इसे जोड़ लेता हूं। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों के पॉजिटिव साइड को एक साथ जोड़ लिया है, यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड को एक साथ जोड़ लिया है और यहीं पे मैंने निगेटिव साइड के इन दोनों बैटरीज के एक साथ जोड़ लिया है। तो यहाँ पे इनके mAh जो हैं यानी कि 2500 mAh के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो 3.7 वोल्ट रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है इस बैटरी के प्रोटेक्शन की और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके के सर्किट आते हैं और दोनों का नाम है TP4056। ये दोनों 3.7 वोल्ट की बैटरीज के लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का मॉडल TP4056 है। यहाँ पे देख सकते हैं एक माइक्रो USB में आता है और एक टाइप सी में आता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक IC लगी हुई है 8205A, जो कि बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आती है। यानी कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये जो बैटरी पैक है, ये इस IC से प्रोटेक्ट होगा। वहीं पे इसमें किसी भी तरीके की बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन नहीं आती है। अब आप इन बैटरीज को डायरेक्टली किसी भी 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज तो कर सकते हो, बट वहाँ पर ये ओवरहीट हो सकती हैं, ओवरचार्ज हो सकती हैं, जिसकी वजह से ओवरचार्ज ओवरहीट होने की वजह से ये बर्न हो जाएंगी, यानी कि इनके अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। और इसी चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको इसी बैटरी में दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्न के निशान है, ये बैटरी जो है डायरेक्टली चार्ज करने की वजह से ही बर्न हुई थी। फिलहाल यहां पे इस सर्किट को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा B+, B-, यानी कि बैटरी का प्लस बैटरी का माइनस। हमें यहाँ पता है कि ये प्लस वाली साइड है, तो प्लस वाली साइड से एक वायर निकाल के इससे ऐड करेंगे। हमें पता है ये नेगेटिव वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड से हम यहाँ पे नेगेटिव वाली को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चार्ज करने के लिए टाइप सी के लिए भी पोर्ट है, अगर आप इसे डायरेक्ट वायर के थ्रू भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पर साफ साफ मेंशन है पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा जब हम इन बैटरीज को लगा देंगे तो उसके बाद आउटपुट लेने के लिए हमें इसी के अंदर प्रोविजन दिया है। यहाँ आउटपुट का प्लस वाला टर्मिनल आएगा, यहाँ पे आउटपुट का माइनस वाला टर्मिनल आएगा। तो फटाफट से मैं आपको इसे इसके साथ ऐड करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से इससे जुड़ेगा और उसके बाद किस तरीके से ऑपरेट करेगा। यहाँ पर हम बैटरी के प्लस वाली साइड में ऐड करेंगे रेड वायर, तो यहाँ पर मैं रेड वायर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि रेड वायर डिनोट करता है, यानी क्योंकि रेड वायर प्लस के लिए पॉजिटिव के लिए यूज़ करा जाता है। वहीं पे ब्लैक वायर जो होता है वो निगेटिव के लिए होता है या फिर न्यूट्रल वगैरह के लिए होता है। तो यहाँ पे ब्लैक को निगेटिव से ऐड कर देता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड को हमें अपने बैटरी पैक के साथ कनेक्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे प्लस वाली साइड से हम जोड़ेंगे प्लस वाले वायर को,
प्लस वाली साइड से हमारा वायर जुड़ चुका है, नेगेटिव वाली साइड से भी इसे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे दोनों वायर एक दूसरे के साथ सही से कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस मॉड्यूल को एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या इसमें आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास एक एलईडी है, एलईडी के एक वायर बड़ा होता है और एक वायर छोटा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो बड़ा वाला वायर है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वायर है वो निगेटिव होता है। तो ये मैंने एलईडी के वायर को थोड़ा ओपन करा और यहाँ पर मैं आपको लोड भी लगा कर दिखा देता हूँ कि ये पॉजिटिव में गया, ये निगेटिव में गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एलईडी जो है इस सर्किट से हमारी काम कर रही है। अब जहाँ तक बात आई इस पूरे सर्किट को चार्ज करने की, तो यहाँ पे मैं इसे आपको चार्ज करके भी दिखा दूँ। तो ये हमारा सर्किट है, ये हमारी केबल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एलईडी जल चुकी है, यानी कि ये हमारा सर्किट जो है, हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है और हमारा सर्किट सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसी बैटरी पैक का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं पावर बैंक। पावर बैंक बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ये जो सर्किट है इसको हटाना है और इसकी जगह पर हमें पावर बैंक का सर्किट ऐड करना है, जिसका मॉडल नंबर है T6845-C। हमारा ये है सर्किट, वो पावर बैंक का सर्किट है ये। और यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेंशन है कि ये बैटरी का प्लस वाला साइड है और ये बैटरी का निगेटिव वाला साइड है। तो ये पूरा साइड जो है, ये दोनों छेद जो आपको दिख रहे हैं ये निगेटिव हैं और ये दोनों छेद जो हैं वो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कैसे हैं, यहाँ पे आप पास से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आप दिखेगा कि यहाँ पे बीच में आपको डार्क कलर की लाइन दिख रही है इस वाली छेद के और इस वाले छेद के बीच में, बट वहीं पर यहाँ से यहाँ तक आपको एक कनेक्शन दिखेगा, कोई किसी तरीके की डार्क लाइन नहीं दिखेगी। डार्क लाइन का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का वायर नहीं है और ये लाइट वाला जो पोर्शन है इसके नीचे कॉपर वायर है जो इन दोनों छेदों को कनेक्ट करे हुए हैं। तो फटाफट से ये वायर को इससे निकालते हैं और इन वायर्स को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा पावर बैंक चार्ज होगा या फिर नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा 5000 mAh का बैटरी पैक है, तो ये जो हमारा पावर बैंक बनेगा इसकी कैपेसिटी 5000 mAh होने वाली है और इसका जो आउटपुट वोल्ट होने वाला है 5 वोल्ट देगा, 1 एम्पियर का आउटपुट देगा। ठीक है, तो फटाफट से इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल निकाल लिया, निगेटिव निकाल लिया। अब यहाँ पे सोल्डरिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि कनेक्ट होंगे फिर से वही बैटरी जो है जलने का खतरा रहता है। इस वजह से आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बैटरी को मैं एक बार और आपको ऑपरेट करके दिखा दूँ। ये देखिए कि यहाँ पे बल्ब जो है वो जल रहा है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट के अंदर सोल्डरिंग वायर लगा देते हैं ताकि हमें इसमें तार लगाने में आसानी रहे। तो सोल्डरिंग वायर लगा दिया, इसके बाद ये हमारे बैटरी पैक के वायर हैं। रेड वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे बैटरी यानी कि B+ के पॉजिटिव वाले सेक्शन में जाएगा। ये लग गया ऐसे ही, ब्लैक वाला नेगेटिव था तो B- में जाएगा ये। और यहाँ पे ये हमारा बैटरी पैक 5000 mAh का तैयार है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसमें की केसिंग्स जो है आपको मिल जाएंगी पावर बैंक की। ये फ़िलहाल 2500 mAh की पावर बैंक की केसिंग है, इसके अंदर सिंगल सेल आता है, यहाँ पे सेल आता है और यहाँ पे सर्किट आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सर्किट है, ये इस तरीके से लगता है, यहाँ ये लगता है, पीछे ढक्कन होता है जो कि लग जाता है। और ऐसे ही 5000 mAh, 10000 mAh, 20000 mAh के अलग अलग केसिंग आती हैं, उसमें ये सेल लगाने की प्रॉपर जगह होती है। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सेल 50 रुपये का है, तो यहाँ पे ये दो सेल 100 रुपये के हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सर्किट है ये 20 से 25 रुपये का आता है। और यहाँ पे कुछ वायर हैं जो घर में पड़े हुए मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर 1-2 रुपये का वायर है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 120-130 रुपये में आपका 5000 mAh का पावर बैंक ये तैयार है। अब बात आती है इसको टेस्ट करने की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ हमने ये केबल इसके अंदर लगाई, यहाँ पे अब मैं इसे चार्ज करके देखता हूँ क्या ये चार्ज होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सर्किट में भी लाइट जल रही है और यहाँ पे भी लाइट जल रही है, यानी कि ये हमारा चार्ज हो रहा है।